रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में दुश्मन देशों को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अरब सागर में एक जहाज पर हाल ही में हुए ड्रोन हमले को बहुत गंभीरता से लिया है और जिसने भी हमला किया है उसका पता लगाया जाएगा और उससे निपटा जाएगा। आजकल समुद्र में अशांति बहुत बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक शक्ति ने कुछ ताकतों में ईर्ष्या और नफरत भर दी है। अरब सागर में MV केम प्लूटो पर हाल ही में हुए ड्रोन हमले और पहले हुए हमले को भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र पर निगरानी बढ़ा दी है। जिसने भी ये हमला किया है हम उसे ढूंढ लेंगे, भले ही वो समुद्र तल से ही हो। इन हमलों के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें लाया जाएगा। भारत पूरे हिंदू महासागर क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता होने की भूमिका निभाता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस क्षेत्र समुद्री व्यापार समुद्र से आकाश की ऊंचाई तक पहुंचे। माफ करने से एक और बात कहना चाहता हूं। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए यमवी चैम प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने गंभीरतापूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुन्दर की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस इलाके में होने वाले समुद्री व्यापार सागर से उठकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे। इसके लिए हम मित्र देशों के साथ मिलकर सी लेन्स को मैरिटाइम कॉमर्स के लिए सेफ और सिक्योर बनाए रखेंगे। कॉमर्स के लिए सेफ और सिक्योर जिस हद तक बना सकते हैं हम बनाएंगे। हम अपने लहरों के पहरेदारों को हम अपने लहरों के पहरेदारों की काबिलियत और ताकत पर पूरा भरोसा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है। मैं आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं और इसे उम्मीद